दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के साथ दिवाली की मस्ती कर रहा हूँ। और मेरे पास एक प्लेट रखी हुई है जिसमें कि बहुत सारी पर्चियाँ हैं और उस पर कुछ पटाखों के नाम लिखे हुए हैं। पटाखे मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मेरी फिल्म का नाम भी पटाखा है, जो कि विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की है। तो पटाखों के कुछ नाम लिखे हुए हैं इन पर्चियों पर, और मैं उन नामों से किस पुरुष को या महिला को रिलेट करता हूँ वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले फुलझड़ी। फुलझड़ी मेरे ख्याल से फुलझड़ी हैं हमारे मास्टर जी। वो बिल्कुल फुलझड़ी जैसे लगते हैं मुझे, इतने छोटे से पैकेज हैं वो, और हमेशा जब कपड़े पहन के आते हैं तो ऐसे पहन के आते हैं लगता है कि उनके लिए दिवाली हर दिन दिवाली है। तो मास्टर जी हमारे जो कि विजय भाई हैं, जिनका नाम विजय है, तो वो हैं हमारी मेरे लिए फुलझड़ी। उसके बाद चटाई बम। चटाई बम, चटाई बम मेरे लिए हैं हमारे वैभव माथुर, जो कि टीका का रोल करते हैं, वो मेरे लिए चटाई बम है क्योंकि हमेशा वो मेरे सामने चटाई की तरह लेट जाते हैं और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत मज़े करता हूँ। तो उल्टा मत समझिएगा, ऐसे समझ रहे हैं ना आप। तो चटाई बम वो हमारे टीका हैं। उसके बाद है भैया सुतली बम। सुतली बम, सुतली बम हमारे हैं मलखान साहब। मलखान साहब सुतली बम हैं क्योंकि वो हमेशा अपने प्यार के की सुतली से सबको जोड़े रखते हैं, हमेशा सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे बहुत सारी बातें करते हैं, सबको अपनी एक ही बात हज़ार बार बोल बोल के बहुत बोर भी करते हैं, पर उसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो दिल के बड़े प्यारे, बड़े साफ़ सुथरे इंसान हैं और प्यार की सुतली से हमेशा हम सबको बांध के रखते हैं। तो दीपेश भान जो कि मलखान का रोल करते हैं, उनके लिए सुतली बम। और ये अगला पटाखा आ चुका है, धमाका। धमाका भैया एक ही आदमी है धमाका, और उसका नाम है आसिफ शेख। आसिफ शेख हमारे एक्टर, एक ऐसे एक्टर जो कि हम सब के रोल मॉडल हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आज उनको बहुत बड़ा विश्व कीर्तिमान बनाने का अवार्ड भी मिला है, उन्होंने आज बहुत बड़ा धमाका किया है। तो धमाका बम डेफिनेटली आसिफ शेख। और अगला क्या है, अनार। अनार मैं तो सीधा अंगूरी भाभी माँ को ही बोलूँगा क्योंकि अनार, एक कहावत है कि एक अनार सौ बीमार। तो अनार जो है उससे बहुत ज़्यादा सेहत भी अच्छी रहती है और हमारी अंगूरी भाभी माँ सबको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाना चाहती हैं, सबका स्वागत करती हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं। और उनकी वेशभूषा भी ऐसी है कि लगता है कि कोई एकदम जो अनार कैसे वो ऐसे कवर्ड रहता है बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि ऊपर से कवर किया हुआ उन्होंने कुछ पहना हुआ है, श्रृंगार वगैरह जैसे वो करती हैं, ऐसे ऐसे अनार के दाने ऐसे ऐसे उनके साइड में लटके रहते हैं। तो बहुत, और पायल, पायल उनकी बजती रहती है। तो अनार डेफिनेटली अंगूरी भाभी माँ। रॉकेट बम। रॉकेट बम तो भैया मैं शशांक बली को बोलूँगा रॉकेट बम, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर हैं और वो इतने महान डायरेक्टर हैं, वो बहुत 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 ऊंचाई पर जाएंगे, उनका करियर रॉकेट की तरह आसमान में जाएगा। और वो अभी तो आप सिर्फ उनको FIR और भाभी जी घर पर हैं के लिए जानते हैं, पर आने वाले वक्त में वो एक से एक काम करेंगे, ये मेरे वर्ड्स हैं। वो वेब सीरीज़ बनाएंगे, वो फीचर फिल्में बनाएंगे और पब्लिक बहुत एंटरटेन होगी, बहुत खुश होगी। तो रॉकेट बम तो मेरे शशांक बली हैं। और अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला पटाखा चक्री बम। चक्री बम, चक्री बम, चक्री बम तो मुझे लगता है कि हप्पू सिंह है क्योंकि वो हमेशा निशावर के चक्कर में रहते हैं, तो चक्री बम वही हुए। और बिल्कुल चक्री की तरह उनका पेट भी है गोल, हैं ऐसे घूमते रहते हैं वो, और दुनिया भर के उनके बच्चे हैं, प्रेग्नेंट बीवी है,
और बहुत कुछ है उनके जीवन में जिसमें कि बहुत तरह के घुमाव हैं, बहुत तरह के उतार चढ़ाव हैं। तो चक्री बम दैट मीन्स सप्पू सिंह, और ये है फुस बम। फुस बम तो मैं एक ऐसे शख्स का नाम लूँगा जो कि हमारे एपिसोड डायरेक्टर हैं, और उस फुस बम का नाम है अक्षय पाटिल, जो कि पेलू का कैरेक्टर करते हैं। पेलू जो है वो फुस बम है, क्योंकि वो कभी भी उनमें से आवाज़ नहीं आती है, वो हमेशा इसी तरह पर्चियाँ निकाल निकाल के देते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, और जब डायरेक्शन भी करते हैं तो बहुत चुप रहते हैं, लेकिन जब उनके डायरेक्शन में जब एपिसोड आता है तो पब्लिक हंस हंस के पागल हो जाती है। तो वो जो बनाते हैं वो धमाकेदार है, वो बम है, लेकिन वो फुस हैं, यानी चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे दांत निकालते हैं, और उसी में लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो अक्षय पाटिल यानी पेलू। और अगली पर्ची है रोशनी। रोशनी नो डाउट, रोशनी तो हमारी अनीता भाभी माँ है। अनीता भाभी माँ लाइट है, वो ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हैं, और ग्रूमिंग क्लासेस चला के दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाती हैं वो, और उनके चेहरे पर मुझे ट्यूबलाइट नज़र आता है। मेरी अनीता भाभी माँ के चेहरे पर ट्यूबलाइट लगता है, उनका चेहरा देखो ना तो एक रोशनी निकलती है। तो डेफिनेटली रोशनी मतलब अनीता भाभी माँ। और ये है चिंगारी। चिंगारी तो भैया सक्सेना ही हो सकता है, क्योंकि इसको हमेशा आग से खेलने का शौक है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लेने पर इसका पेट भरता है, तो उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं, हैं, और वो अपना पेट भर लेता है। तो डेफिनेटली मैं यानी कि सानंद वर्मा, जिसको कि आप सब अनोखे लाल सक्सेना के रूप में भी जानते हैं, तो मैं ही हूँ चिंगारी। हाँ, इस बार दिवाली में हम बहुत सारे पटाखे चलाएँगे। ये जितने भी नाम इस पर्चियों में आए थे वो सारे पटाखे हम चलाएँगे, और खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे, लोगों को बहुत सारी गिफ्ट देंगे, बहुत सारी गिफ्ट लेंगे, और मज़े करेंगे, और ये चाहेंगे कि हमेशा खुशियों की दिवाली हर साल आए, और कभी भी वो वक्त ना आए जो कि आके अब लग रहा है कि गुजर चुका है।